सजनवा दिल तो कर रहा है ना कि खींच के तुम्हें ही एकदम ना तीर मार दे। अरे तुम ये रामायण में वो महाभारत कहाँ से घुसा रहे हो हैं? लोगों को एक नई रामलीला देखने को मिलेगी और लोग इंजॉय करेंगे। देखो भानुमति जी, अगर इस सजनवा का यहाँ ये चलता रहना कि ये होगा ये नहीं होगा, तो मैं भी कह देता हूँ वैसे रिहर्सल नहीं होगी। हाँ हाँ नहीं होगी। अरे अरे कुको सालू, सजनवा सुनो तो। चाची हम तो लंका चलाने को लिख लेते, या तो पूरी रिहर्सल ही जल गई। अब सजनवा जी, अरे ओ सजनवा जी, सजनवा जी जी, इतनी इज्जत है? कहता है ना समय पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेना चाहिए। हाँ हाँ सजनवा जी, हम ना आपके पास एक ठो काम से आए हैं। अच्छा आदेश कीजिए। नहीं नहीं ये काम है ना ये आदेश से नहीं ये विनती से होता है। तो फिर विनती कीजिए। नहीं ये काम विनती से भी नहीं होता है, ये काम तो समझदारी से होता है। अच्छा तो समझाइए। नहीं नहीं ये काम जो है ना ये समझदारी से भी नहीं होता है, ये काम तो जो है ना शांति से बात करने से होता। अच्छा तो शांति से बात करके समझाइए। नहीं नहीं ऐसा काम शांति से भी नहीं होता है, ऐसा ही कहेंगे ना? अरे नहीं नहीं ये काम जो है ये शांति से बात करने से ही होता है। हाँ तो बात कीजिए, बुलाएं शांति को, पड़ोस में काम करती है। अरे सजनवा हम वो शांति नहीं, हम तो ओम शांति 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 सर्वरिष्ट सुशांतिर भवतु, वो वाली शांति की बात कर रहे हैं समझे। तो ऐसा है ना सजनवा कि हम चाहते हैं कि तुम रामलीला में राम की जगह रावण का रोल कर लो। अरे कैसे बन जाए, हमारा कलर देखिए एकदम राम के जैसा है। नहीं सजनवा आजकल जो है ना कलर कोनो मैटर नहीं करता है। अच्छा। हाँ आजकल जमाना बदल गया है, गोरे लोग जो है काले हो जाते हैं और काले लोग जो है वो गोरे बन जाते हैं, मैटर करता है कैरेक्टर। अब देखो तुम आंख बंद करो और सोले फिल्म याद करो। अरे करो करो। कैसे कर लें? अरे अगर तुम हमारे कहने का मतलब ये है कि जब तुम सोले फिल्म के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे दिमाग में धम करके जो है गब्बर सिंह आ जाएगा, है ना? और ऐसे ही जब आप रामायण के बारे में सोचोगे तो रामायण याद करते ही किसकी याद आ जाती है, किसका चेहरा सामने आ जाता है? हमको क्या मालूम। अरे बुद्धू दशानन रावण का चेहरा सामने आ जाता है समझे। नहीं रामायण कहते ही अब हमको पता चल गया, रामायण कहते ही राम भगवान का चेहरा याद आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम का, इसीलिए हम राम ही बनेंगे। हाँ कह देते हैं रावण हमको नहीं बनना है, इसीलिए हम राम का रोल नहीं छोड़ सकते हैं, हमको आप झूठी घुट्टी मत पिलाइए। हाँ अरे लेकिन सजनवा देखिए हम आपकी बात को शांति से सुने, अब आप हमारा बात शांति से सुने, आप जाइए घर, रामलीला में राम का रोल हम ही करेंगे, समझ में आई बात? अरे सजनवा लेकिन सुनो तो। सुनिए इस छोटे से राम के अयोध्या का निकास द्वार यहाँ है, अब जा सकती हैं। दिल तो कर रहा है ना कि हमें ही रावण बनके इसका अभी बध कर डालें। कुछ कहा? नहीं नहीं कुछ नहीं सजनवा जी। बड़ा आई थी हमको घुट्टी पिलाने के लिए कि रावण बन जाओ। अरे हम राम हैं और राम का ही रोल करेंगे। हाँ सजनवा। हाँ कुकु तुम यहाँ क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती। हाँ क्यों नहीं आ सकती? अरे हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा थोड़ी हुआ है। मैं नहीं चाहती कि हमारा रियल लाइफ में कभी झगड़ा हो। का मतलब?
अरे मतलब मैं चाहती हूँ कि हम रियल लाइफ में झगड़ा कर लेते हैं। और रियल लाइफ में झगड़ा तब होगा जब मैं सीता बनूंगी और आप रावण। अच्छा तो चाची गई तो भतीजी आई हमको बेवकूफ बनाने के लिए। आपको बनाने की क्या जरूरत है, आप तो बने बनाए हैं। कुछ नहीं कुछ नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप तो राम भक्त है ना, तो राम का रोल कुछ सूट नहीं हो रहा, मतलब रियल लाइफ से थोड़ा कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कि रावण का रोल एकदम फिट रहेगा। राम का रोल एकदम हिट है, हम राम का रोल नहीं छोड़ सकते हैं। जय सिया राम। तुम्हें तो ना मैं देख लूंगी। हाँ देख लेना स्टेज पे राम के रोल में। रावण ही लगता तुम। चाची गई फिर भतीजी आई समझाने के लिए, लेकिन हम किसी के बहकावे में आने वाले नहीं हैं। राम का ही रोल करेंगे। हाँ क्या हुआ सदन भैया, कुक्कू दीदी इतनी गुस्से में क्यों गई? अरे वो हमको ना रावण बनाने के लिए आई थी। कमाल है, आजकल लोग अच्छा बनाना चाहते हैं और ये आपको बुरा बनाने आई थी। हाँ वही तो। आपको पता है एक पापी था जो मरा मरा कहता था। मरा मरा कब राम बन गया उसे पता ही नहीं चला और वो भगवान का भक्त कहलाया। अब ये तो उससे अनजाने में ही भक्ति हुई थी ना। हाँ तो मॉरल ऑफ स्टोरी ये है कि अनजाने में ही की हुई भक्ति असली भक्ति कहलाई जाती है। अब देखो जैसे आप रामायण में रावण का रोल करोगे। अरे हम नहीं करेंगे रावण का रोल। मैं कहा कह रही हूँ कि करो, पर मेरी बात तो सुनो। हाँ बता बता। तो अगर आप रावण का रोल करोगे तो शिव भक्ति का सीन आएगा और सीन करने के चक्कर में आप भगवान शिव का जाप करोगे। हाँ। तो वो अनजाने में ही भक्ति कहलाएगी ना, और अनजाने में की हुई भक्ति असली भक्ति होती है, पर ये अनजाने में नहीं होगी क्योंकि हमको मालूम है कि हमको केवल ये सिर्फ सीन में करना है, इसलिए ये भक्ति असली भक्ति नहीं होगी। फिर भी एक बार ट्राई करने के लिए रावण के रोल में शिव जी का जाप करके देखो ना, शायद आपको पुण्य मिल जाए। तुम लोग हमें रावण बनाने का कोशिश मत करो, तुम लोग को पुण्य मिल जाएगा, जाओ। क्या कहते हैं बच्चे, भगवान का रूप होते हैं, साक्षात भगवान आपको समझाने आई है। फिर भी आप नहीं समझ रहे, अब क्या करे, रावण को भी बहुत समझाया था पर वो भी नहीं माना। अरे हाँ सावन भैया, इस तरह तो आप में रावण के ही गुण है, तो आप रावण के नहीं बनते। हम रावण नहीं बनेंगे। क्या, क्या? अरे वही तो, इस अजनवा तो हमारी कोनो सुनने को तैयार नहीं है और ना ही बेवकूफ बनने को तैयार है और ना ही रावण बनने को तैयार है। वही तो। अरे ऑलरेडी बेवकूफ आदमी को कितना बेवकूफ बनाओगे यार, वो नहीं बनेगा बेवकूफ। हाँ ये बात भी सही है। तो रावण मिलेगा कहाँ? अरे वही तो बिटिया रानी, हमने तो सुना था कि पग पग पे रावण है, लेकिन हमको तो कहीं रावण दिख नहीं रहा है। हमें दिखाई दे रहा है। कौन? यही हमारा सजनवा। सजनवा? अरे कहाँ, तुम फिर वहीं घूम फिर के लौट के बुद्धू घर को आए, इसको कहते हैं टर्न एंड ट्विस्ट के साथ। हाँ उसे प्यार से बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे? ये आप मुझ पर छोड़ दो, वो खुद आकर कहेगा कि वो रावण बनने के लिए तैयार है। मैं यूं गई और यूं आई। अच्छा एक मिनट, जाओ विजयी हो। आफ्टर ऑल हमारी ही तो बिटिया है। अरे सजनवा, सजनवा भाई कहाँ हो तुम? सजनवा? अरे हम तो यही हैं, तुम कहाँ हो? अभी तुम्हारे घर वाले सब आकर के मिल के गए, तुम ही नहीं आई थी। अरे क्या बताएं सजनवा भैया, हमारी हालत तो बिल्कुल कुंभकर्ण जैसी हो गई है। कुंभकर्ण? हाँ, जो एक ही महल में रहते हुए अपने भाई रावण से 6-6 महीने तक नहीं मिल पाता था, ऐसे ही हम भी तुमसे नहीं मिल पाते हैं। अरे कुंभकर्ण तो सोते रहते थे, तो वो कैसे मिलते? अरे वो सचमुच सोते थे और हम जागकर भी सोते हैं, तो हुए ना हम कुंभकर्ण। अब हम अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ कैसे करें? लेकिन हम अपने मुंह से तुम्हारी तारीफ जरूर करेंगे।
तुम बिल्कुल हमारे भाई रावण की तरह हो, जो पूरे दिन अपने महल में घूमते रहते थे, और तुम भी पूरे दिन हमारे घर में घूमते रहते हो। तो अब देखो तुम में और रावण में कितनी समानता है। हम सब समझ रहे हैं तुम में और तुम्हारे परिवार वालों में भी कितनी समानता है, लेकिन हम रावण बनने वाले नहीं हैं। कौन कहता है तुम्हें ऐसा पापी अधर्मी बनने के लिए? रावण तो वो होता है जो लोगों पे जुल्म करता है, जैसे कि तुम्हारा मालिक सूरी कैसे तुम्हारी 2 साल की पगार मार के बैठा है। कितना जुल्म करता है तुम पर, उसे ही रावण बनना चाहिए। हाँ, उसी को तो बना रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, उसे ही बनना चाहिए, उसके जुल्मों का अंत होना ही चाहिए। हाँ। वैसे भी दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, तुम नहीं चाहते कि उसकी इस बुराई पर तुम्हारी अच्छाई की जीत हो? हाँ, हाँ। तो इस कलयुग में कई ऐसे राम हैं जो रावण बनकर घूम रहे हैं, और कई ऐसे राम हैं जो रावण की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन असल में रावण होते नहीं है। वो राम से दिखाई देते लोगों को सबक सिखा देते हैं, तब लोगों को पता चलता है कि दिखने में तो वो रावण था लेकिन दिल से राम था, जैसे कि तुम। भले ही दिखने में रावण लगते हो लेकिन दिल से तुम राम हो। और सूरी? पर हम तो अभी भी नहीं समझे। सिर्फ 1 मिनट के लिए तुम रावण बनने के लिए हामी भरो। क्यों? अपनी आंखें बंद करके रावण का ध्यान करो, फिर हम तुम्हें समझाएंगे, उसके बाद फिर भले ही तुम मना कर दे। चलो ठीक है, हम रावण बनने के लिए रावण का ध्यान कर रहे हैं, अब तुम मुझे समझाओ। के लिए तैयार हूँ, हम अभी आते हैं। यस, रावण भैया, रावण भैया, रावण भैया, रावण भैया। अरे, अब तुम्हें भी मैं रावण लगने लगा? नहीं लगते, तभी तो बुला रही हूँ। तमाले यार, नहीं लगता हूँ तभी तो बुला रही हूँ, मतलब क्या है? जब मैं नहीं लगता हूँ तो क्यों बुला रही हूँ? क्योंकि आप में रावण वाला एक गुण है, अगर वो भी हट जाए तो ना बुलाऊं। मुझ में रावण के गुण? क्या बात करती हो यार। सजन वो ऐसा कह रहा था, सजनवा कहता था जैसे रावण कुबेर की बनाई लंका पर कब्जा करके बैठे थे, ऐसे ही आप भी उसकी 2 साल की पगार पर कब्जा करके बैठे हो। तो सजनवा के लिए उसकी 2 साल की पगार ही उसकी लंका है। अगर आप उसकी 2 साल की पगार पे से कब्जा छोड़ दो तो वो भी राम का रोल छोड़ देगा। यू मीन सिंपल, आप उसका फुल एंड फाइनल पेमेंट कर दो। आप कुकु दीदी को सीता बनाने के लिए इतना नहीं कर सकते? कुकु का तो पता नहीं, लेकिन इस बंगलों पे कब्जा जमाने के लिए इस 2 साल की सैलरी से कब्जा छोड़ना पड़ेगा। क्या सोचने लगे रावण भैया? नहीं कुछ नहीं, मुझे मंजूर है। रावण? हाँ हाँ, रावण 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 रावण, हाँ हाँ, रावण 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 आगे क्या? लेकिन हमारा एक तो शर्त है। शर्त?
मंजूर है, मंजूर है ना? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। बनने को बनने को बनने को हाँ आगे खा तैयार है। क्या बात है? क्या कहा? दोबारा कहना एक बार से चंदा। अरे हम रावण बनने को तैयार हैं। क्या बार बार बोले? अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, तैयार है। अच्छा लेकिन हमारा एक तो शर्त है। शर्त? हाँ हाँ मंजूर है, मंजूर है ना? मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है ना? जो भी है मंजूर है, सब मंजूर। हाँ हम ना बिना मंदोदरी का रावण नहीं बनेंगे। है मंदोदरी? अब ये मंदोदरी कहाँ से लाए? हाँ अल्लू है ना? हम कल्लो मंदोदरी बनेगी। ठीक है तो अब हमको रावण का स्क्रिप्ट दे दीजिए, हम तैयारी करेंगे। हाँ 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 दे देंगे। तो मिलते हैं फाइनल रिहर्सल में। भिक्षाम देहि माते, भिक्षाम देहि। भाभी माँ चाहे जो हो जाए इस लक्ष्मण रेखा के पार मत जाना, मैं भैया को लेकर आता हूं। भिक्षाम दे ही। आप अंदर आ जाइए महाराज। नहीं यदि भिक्षा देना है तो बाहर आकर दो। परंतु हमारे देवर ने हमें इस रेखा को पार करने के लिए मना किया है। ठीक है तो हम जाते हैं, परंतु इस तरह खाली हाथ लौटाना भिक्षुक को सुहागन स्त्री को शोभा नहीं देता। रुक जाइए महाराज। हम आते हैं। हम हैं लंकापति रावण, लंकेश। छोड़ दे दुष्ट मुझे, प्रभु कहाँ है आप? अरे वो वनवासी भिक्षुक, वह हमारा मुकाबला क्या करेगा? हम हैं रावण। रावण कहाँ है तू? बाहर निकल रावण, सामने आ। अधर्मी सामने आ। हम हैं लंकापति रावण, लंकेश। जय श्री राम। प्रभु अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस दुष्ट का वध यहीं कर दूं। वानर तुम लंकापति रावण का वध करेगा। हेरो हनुमान अब समय आ गया है कि इसको हम स्वयं पराजित करेंगे। बारह वर्ष तक जंगलों में भूखा भटकता हुआ साधारण मनुष्य तुम हमें पराजित करेगा, लंकापति रावण को। अब तुम मेरे वार को संभाल।
और मरने के लिए तैयार हो जा। अरे मर क्यों नहीं रहा, कहीं भूल तो नहीं गया ये रावण है? स्क्रिप्ट में तो लिखा था और समझाया भी था कि बाण नामे में लगते ही रावण को मरना है। तो फिर तो मर क्यों नहीं रहा है? मुझे क्या पता, चल मैं पूछ के आती हूँ। जय श्री राम। क्यों नहीं रहे हो? अरे सूरी ने मुझे धोखा दिया है, उसने कहा था कि मैं तुझे पगार दे दूंगा 2 साल का एक बार, लेकिन अभी तक पगार नहीं दिया है और वो जब तक पगार नहीं देगा मैं मरने वाला नहीं हूँ। जय श्री राम। क्या हुआ? जब तक आप उनको पगार नहीं दोगे ना वो नहीं मरेंगे। युद्ध में भी पैसा चाहिए। जय श्री राम। मरने के लिए तैयार हो जाओ रावण। जय श्री राम। प्रभु हम विजयी हुए। और इस तरह आज दशहरे के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, इसको कहते हैं फाइनल रिहर्सल। अब तो सोसाइटी के कंपटीशन में हमको कोई हरा ही नहीं सकता। हाँ, हम ही जीतेंगे। Yes, correct. अरे वो तो जब जीतेंगे तब जीतेंगे, लेकिन वो कहते हैं ना दशहरा में बुराई पर में अच्छाई की जीत हुई थी, तो आज सचमुच में बुराई पर में अच्छाई की जीत हो गई। अच्छा, वो कैसे? जैसे हम अच्छाई से अपने मालिक से पगार मांग रहे थे और हमारे मालिक बुराई से पगार नहीं दे रहे थे, और आज उन्होंने पगार देकर अपनी बुराई पर हमारी अच्छाई की जीत कर दी। हाँ यार ठीक है। अरे हाँ सजनवा, एकदम सही बात कह रहे हो, टर्न एंड ट्विस्ट मार के। इसी बात पे हमको पंडित जी की बात याद आ गई। अरे पंडित जी ने भविष्यवाणी में कहा था कि पूरे हफ्ते हथियार चलेंगे, तो देखो यही हुआ। धनुष बाण चला, हनुमान जी का गदा चला और ये रावण का भी धनुष चला है ना। लेकिन नहीं, पंडित जी ये कहना चाहते थे कि तुम्हारी जान को कोनो खतरा नहीं है और हम ठीक है, किराएदार है जो भी है, लेकिन अब हैं तो हमारे ही किराएदार ना, तो हमने आप पे जो है ऐसे ही शक कर दिया, हमसे गलती हो गई, माफ करना। जी कोई बात है ना, दशहरे का टाइम है भाई, कैसा अहंकार, अहंकार तो टूट के गिर गया। हाँ। है ना। तो भाई इसी खुशी में कह दें क्या, अब कम से कम लाइट बिल के बहाने दक्षिणा तो दे जाते हैं। ए महाराज, आपको दक्षिणा देने के लिए हमारे हाथ मचल रहे हैं। तो आपका भविष्य बताने के लिए हमारी उंगलियां भी मचल रही हैं। अरे 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 अरे, क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा जो आपने 3-4 बार अरे 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 बोल दिया। आपकी जन्म कुंडली में मृत्यु योग है बेटा।